गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेंस, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू थर्ड चैप्टर ऑफ जनरल नॉलेज स्टैंडर्ड सेकेंड। ओके, सो लेट्स बिगिन। थर्ड चैप्टर नेम इज डिफरेंट बर्ड्स, विभिन्न प्रकार के पक्षियाँ। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ वेरियस कलरफुल बर्ड्स, या संसार कलरफुल बर्ड्स, रंगीन पक्षियों से, विभिन्न प्रकार के रंगीन पक्षियों से भरा पड़ा है। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आर हम्बल बाई नेचर, ज़्यादातर पक्षियाँ स्वभाव से सीधे साधे अर्थात विनम्र होती हैं। दे लिव देयर लाइफ जॉयफुली ऑन द लैंड एंड इन द स्काई, वे जमीन पर हो या फिर आसमान में अपना जीवन बहुत आनंद पूर्वक जीती हैं, बिताती हैं। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ द बर्ड्स, पिक्चर को देखिए और उनके नाम राइट कीजिए। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, और आप हेल्प बॉक्स से मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट है ये बत्तख की तरह दिखने वाली है, चिड़िया है, ठीक है, पानी में तैरती है, इसका क्या नाम है? तो इधर हेल्प बॉक्स में आइए देखते हैं, इसका नाम है अल्बेट्रॉस। ठीक है, क्या नाम है इसका? अल्बेट्रॉस। सेकेंड देखते हैं, ये तो देखकर ही पहचान जाएंगे इसका क्या नाम है। इसका नाम है हॉक, जो कि बाज की तरह रहती है, शिकारी पक्षी है हॉक। ठीक है, हेल्प बॉक्स में देखते हैं नंबर सेकेंड, आप राइट कर लीजिएगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं, थर्ड है, इसका नाम है पार्ट्रीज। क्या नाम है? पार्ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम निशान लगा दे रहे हैं थर्ड। ओके, राइट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट है फोर्थ, इसके पीठ सफ़ेद होते हैं, अरे पेट सफ़ेद होते हैं, जबकि पीठ है ब्लैक कलर के होते हैं। ये कौन सी पक्षी है? ये पक्षी है, इसका नाम है स्वायलो। ठीक है, फोर्थ। एंड फिफ्थ देखते हैं, इसके पेट जो हैं रेड कलर के हैं और जो पीठ है वे सुनहले कलर के हैं। ठीक है, तो ये कौन से पक्षी है? तो इसका नाम है बच्चों, इसका नाम है फिजेंट। ठीक है, यहाँ फिजेंट दिया हुआ है, फिफ्थ फिजेंट। ओके, सिक्स्थ देखते हैं, ये है, इसका नाम है हॉर्नबिल। क्या नाम है इसका? हॉर्नबिल। तो हॉर्नबिल। ओके, सेवन्थ देखते हैं, यहाँ है, इसका नाम है जो सी गुल। क्या नाम है? सी गुल। और ये है, इसके चोंच जो है चम्मच की तरह है। ठीक है, तो इसका नाम है क्या? स्पून बिल, स्पून बिल। ओके, और ये तो सभी लोग देखे होंगे ये इस पक्षी को, तो इसका नाम है हुप। ठीक है, डिड यू नो द ऑस्ट्रिच इज द बिगेस्ट बर्ड बट कैन नॉट फ्लाई हाई इन द स्काई। ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग सबसे बड़ी पक्षी है, लेकिन यह आसमान में ऊंचाई पर या आसमान में नहीं उड़ सकता। आई क्यू टेट विच इज द फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड, सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी कौन है? तो इसका नाम है पेरीग्रीन फाल्कन। ठीक है, मैं राइट कर दे रहा हूँ। पेरीग्रीन फाल्कन। ओके, और आप राइट कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज देखते हैं, फोर्थ चैप्टर है द वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट, मतलब संसार के कीड़े मकोड़े।
द वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट इज वंडरफुल, जो संसार में जो कीड़े मकोड़े हैं बहुत ही वो आश्चर्यजनक हैं। सम ऑफ देम आर यूजफुल टू अस, उसमें से कुछ हमारे लिए तो लाभदायक हैं, वाइल सम आर हार्मफुल, जबकि कुछ उसमें हमारे लिए हानिकारक होते हैं। लुक एट द पिक्चर एंड राइट द नेम ऑफ द इंसेक्ट विद द हेल्प ऑफ हेल्प दो बार लिख दिया है हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स। पिक्चर को देखिए और उनका नाम राइट कीजिए और हेल्प बॉक्स से मदद लीजिए, ठीक। हेल्प बॉक्स से मदद लेकर के उनका नाम राइट करना है। तो ये क्या दिख रहा है बच्चों, ये है ग्रॉस हॉपर, ठीक है। ग्रॉस हॉपर तो बहुत से लोगों ने देखे होंगे आप लोग, ये तो आसपास ही रहता है। ग्रॉस हॉपर फर्स्ट है, हम यहाँ पर राइट कर दे रहे हैं ग्रॉस हॉपर आपके हेल्प बॉक्स में नंबर वन कर दे रहे हैं ग्रॉस हॉपर, ओके। सेकंड देखते हैं क्या है, ये देखिए छड़ी की तरह होता है और ये खतरनाक होता है, ये अपने से दोगुना तिगुना बड़े जंतु को कीड़ों को बहुत आसानी से जकड़ लेता है और उनको मार डालता है। तो इसका नाम है स्टिक इंसेक्ट, इसके छड़ी नुमा आकार से इसका नाम हो गया स्टिक इंसेक्ट नंबर टू, ओके। नंबर थर्ड देखते हैं, ये बच्चों है बेड बग, जिसका नाम होता है इसका नाम है खटमल। ये अक्सर बेडों में पाए जाते हैं, बहुत पहले थे बेडों में लेकिन अब ज़्यादा दवा के इस्तेमाल के कारण अब ये लगभग विलुप्त तो हो चुके हैं। इसका क्या नाम है, बेड बग, ठीक है। हम यहाँ पर राइट कर दे रहे हैं नंबर थर्ड बेड बग, ओके। अब यहाँ पर फोर्थ देखते हैं, ये भी है ग्रॉस हॉपर के ही आकार का है, आकार प्रकार का है, काम भी इसका वही है, ठीक है, फसलों को नुकसान पहुँचाना। तो इसका नाम है लोकस्ट, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी ग्रॉस हॉपर के ही फैमिली का लग रहा है, देखने में तो ऐसा ही है, ठीक। तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है क्रिकेट, ठीक है। नंबर फिफ्थ, यहाँ मैं नंबर फिफ्थ कर दे रहा हूँ, इसका नाम है क्रिकेट। अब इनको देखते हैं, इसका नाम है लेडी बर्ड, क्या नाम है इसका, लेडी बर्ड, ओके। नंबर सेवन देखते हैं, ये है वास्प, क्या नाम है इसका, वास्प, ओके। और ये नंबर एट को आप तो पहचान ही गए होंगे, ये क्या है, ये है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई है। और इसके बाद ये अक्सर रातों को चमकता है, लाइट जलाता है, इसका नाम है, क्या नाम है, फायर फ्लाई, ओके। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, द ओरिजिनल नेम ऑफ द बटरफ्लाई वाज फ्लटरबाई, बटरफ्लाई का ओरिजिनल नेम वास्तविक नाम फ्लटरबाई है। दे टेस्ट विद देयर फीट, ये अपने पैरों से स्वाद लेती हैं। आई क्यू टेस्ट, हाउ मैनी लेग्स डज एन इंसेक्ट है, इंसेक्ट को कितने पैर होते हैं। तो बच्चों ये जान लीजिए कि इंसेक्ट को 6 पैर होते हैं, ठीक है। इंसेक्ट को कितने पैर होते हैं, 6 पैर, 6 लेग होते हैं, ओके। Okay, students, so this topic is finished here and I will teach you next topic next day, okay, thank you, take care.